हेलो। देखो कैसा लॉकडाउन हुआ है। इस बाउंड्री से ज़्यादा निकलना अलाउड नहीं है। 2 महीने हो गए एक ही जगह बैठ के। अब रिसेंटली कॉइंस कलेक्शन पे नज़र पड़ा ना, एल्बम्स बॉक्स काफ़ी साल हो गए देखे भी नहीं थे। 1999 में क्लास 6 में कलेक्शन शुरू किया था। 2020 है, 20 साल, 19 साल तो हो ही गया। वो गोल्डन पीरियड था कॉइंस कलेक्शन का। अब वो क्यों गोल्डन पीरियड था वो तो आपको बाद के वीडियोस में पता चलेगा। बॉक्स मिला है, एल्बम निकाले हैं, तो सोचा थोड़ा डिस्प्ले भी करके देखते हैं। अभी तो खैर कॉइंस कलेक्शन, कॉइन ढूंढने जाना या मीटिंग्स सब कुछ बंद है। तो काफ़ी साल हो गए, डील्स भी नहीं किए, कॉइन्स खरीदना बेचना भी बंद कर दिया। देखते हैं एक ये एजुकेशनल चैनल पे को कुछ पुराने मेमोरीज, कुछ प्लेसेस जहाँ से कॉइन्स मिलते थे, अलग अलग सिटीज़ में कहाँ कॉइन्स खरीदने हैं, तो कॉइन्स का मेंटेनेंस, कुछ ऐसे ही और कुछ बात है जिस पे बात करेंगे अगले वीडियोस पे। अगर आप कॉइन्स कलेक्टर हैं, आपको कॉइन्स कलेक्शन में इंटरेस्ट है, या आप जानना चाहते हैं, या बस इस चैनल के साथ कॉइन्स कलेक्शन के एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। शायद आपको जो कॉइन्स कलेक्शन अच्छा लगेगा। मेरा फोकस हमेशा ब्रिटिश कलेक्शन पे था, ब्रिटिश कॉइन्स पे। रिपब्लिक कॉइन्स और करेंसीज भी है मेरे पास। ब्रिटिश करेंसीज थी लेकिन काफ़ी कॉस्टली थे वो, तो किसी एक टाइम पे दे दिया। फिर मुगल एंड सल्तनत के कॉइन्स तो बहुत कॉमन थे पहले, तब तक तो उतना वैल्यू भी नहीं था। अभी रिसेंट वैल्यू काफ़ी बढ़ा है। तब जो चीज़ 3 रुपये में मिलता था, आज के डेट में वो 1500, 3000 तक मिलता है। तो यही डिफरेंस है हमारे टाइम के कलेक्शंस में और आज के कलेक्शंस में, और इसलिए अब इंटरेस्ट लगता नहीं है। कहाँ 3-5 रुपये में लिया हुआ कॉइन आज के डेट में वही चीज़ अगर ख़रीदना पड़े 1000, 1500 में, तो किसी को भी अजीब लगेगा। तो याद से सब्सक्राइब करें, इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे।